नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जो आप सीखते हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग फॉर एडवांस सपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, हमारे मॉर्निंग 6:30 का बैच है, जिसमें हमारे साथ जाहिद जी और तेजेंद्र जी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से इस जूम ऐप की मदद से ज्वाइन किए हुए हैं, और ये मेरे साथ लाइव है और मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इनको सुन पा रहा हूँ। तो चलिए, इनके साथ हम आज वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं और आप भी इसको ऑब्जर्व कीजिए। वीडियो का पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये हमारी लाइव क्लासेस की वीडियोज है। और आप भी इस तरह की क्लास लेना चाहते हैं तो वेबसाइट iptindia.com पर जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए। तो जाहिद जी, रमेश जी एंड तजेंद्र जी, मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे मैं भी रिकॉर्ड करना कर लेता हूं। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने वाले हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के रेंज के बारे में। रेंज में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग्स के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले क्लासेस में रेंज, हमने अभी तक रेंज को कॉल करना सीखा, हमने रेंज को सिलेक्ट करना सीखा, फिर हम रेंज पे टाइप करना सीखे और फिर रेंज पे कंडीशन अप्लाई करना सीखे। तो हम वापस फिर बैक आते हैं, हम बात करते हैं रेंज पे फॉर्मेटिंग करना, रेंज के ऊपर किस तरह से फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो बेसिकली किसी भी सेल के ऊपर कितने तरह की फॉर्मेटिंग होती है, मेरे तरह से चार फॉर्मेटिंग होती है। पहला फॉन्ट, दूसरा नंबर्स अलाइनमेंट कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, तीसरा आपका नंबर एंड चौथा इसका फिल। अब फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो फॉर्मेट सेल में भी यही होता है कि आपकी नंबर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट की फॉर्मेटिंग, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, बॉर्डर एंड फिल भी एक है कलर। चलिए से बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं बॉर्डर से, ए फॉन्ट से, कि अगर मेरे में एक सिलेक्टेड एरिया है, चाहे एक्टिव सेल है, इस पे हम कुछ चीजें, ए फॉन्ट की कुछ चीजें अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, और साथ में जानेंगे विथ कमांड, कि विथ कमांड किस चीज के लिए यूज होता है। मैं एक सब्जेक्ट बनाया तो यहां पे मैं लिखा कि मुझे रेंज A1 से एक्टिव सेल निकालना है, एक्टिव सेल डॉट फॉन डॉट नेम। ये हम बात करेंगे कि फॉन अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप एक्टिव सेल डॉट फॉन या भी रेंज है, यहां पे अपने हिसाब से ले सकते हो कि रेंज जो भी लेना चाहे, font dot name equal to Arial, फिर वापस मुझे यहाँ पे active cell dot font dot bold करना है, तो bold equal to true, फिर active cell dot italic ये font होता है, माफी font नहीं है, font डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अब एक चीज यहां पे देखिए कि मुझे एक्टिव सेल पे फॉन्ट के अंदर बहुत सारी चीज अप्लाई करनी है, तो बार बार मुझे एक्टिव सेल फॉन्ट लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम विथ कमांड की बात करते हैं, हमेशा तो रिकॉर्ड करते होंगे माइक्रो, तो उसमें विथ कमांड लगा हुआ चला आता है, तो हम वही उसी विथ कमांड के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे विथ एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट फॉन्ट कर दीजिए।
अब इसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ जैसे डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, डॉट अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, डॉट कलर इक्वल टू कलर का दो तरीके है, एक है आपका कि वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा जो होता है वो ले सकते हैं, या फिर एक होता है कलर इंडेक्स जिसमें 0 to 50 का कलर होता है वो कर ले सकते हैं। अब कलर इंडेक्स में कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर है, तो उस केस में हमें यहाँ जो हेल्प है हमारा इस हेल्प पे जाना होगा। इंटरनेट खुलता है एक बताता हूँ, नहीं खुला दोबारा करता हूं, इस हेल्प पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब इस पे मैं सर्च करता हूं कलर इंडेक्स नंबर, एक ऑटोमेटिक कलर एक नो कलर दो का दिया हुआ है। नहीं, इसमें वो कलर का पूरा बॉक्स इंडेक्स आ जाता है। जिसमें कौन से कलर का कौन सा नंबर है वो भी दिया हुआ है। एक मिनट देखिए, टॉप पे आता था ये, पता नहीं क्यों ऐसा। कलर इंडेक्स प्रॉपर्टी करंट इंडेक्स में 50 होता है, मैं इसके निकाल का आपको भेज दूंगा, ठीक है।
50 होता है, मैं इसमें क्या होता है कि वन डालेंगे तो कोई कलर आएगा, टू डालेंगे तो कोई और कलर आएगा, थ्री डालेंगे तो कोई कलर आएगा। तो ये लिस्ट होता है, मैं लिस्ट निकाल दूंगा, मेरे पास होगा ये लिस्ट। पहले 2007 में आ जाता था, उसकी हेल्प में आ जाता था, लेकिन इसका हेल्प तो ऑनलाइन कर दिया इसलिए। और उसके अलावा आप यहाँ ई काम और कर सकते हैं कलर के लिए, कि कलर इक्वल टू आरजीबी कर सकते हैं, आरजीबी रेड ग्रीन, आरजीबी अभी नहीं, जीबी रेड ग्रीन ब्लू। अब ये रेड ग्रीन ब्लू पता कैसे चलेगा, तो आपका इसमें मदद करेगा एक्सेल। जब भी आप कलर, अब कोई कलर अप्लाई करते हैं तो यहां पे मालिक कलर अप्लाई किया, तो यहाँ मोर कलर में आप जाते हैं, कस्टम में आपके पास आरजीबी होता है कि अगर मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, इस कलर में इसको सिलेक्ट किया है, तो इस कलर का ब्रेड कितना होगा, ब्लू कितना होगा और ग्रीन कितना होगा। तो यही चीज आप अगर उस बीवीए में डाल देंगे तो वहां पे आपका कोड, वहां पे आपका ये दिख जाएगा, कलर आ जाएगा। तो कलर के तीन तरीके हैं, कलर में आप कलर रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा जो है वो डाल सकते हैं, या फिर कलर इंडेक्स नंबर 0 से 50 तक होता है, 55 तक, या फिर आप कलर का कलर में आरजीबी नंबर डाल सकते हैं। और जब आपका खत्म हो जाए तो यहाँ पे आप एन विथ कर दे, आपका खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे पास अलाइनमेंट होता है। अब इन ये सब चीजें को आप रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं, वीडियो आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग भी आपको आपको इसके बारे में बताता है। किसी एक को आप रिकॉर्ड करते हो, जैसे मैं बात कर ली अलाइनमेंट की, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग में जाकर देखेंगे कि अलाइनमेंट का पूरा कोड बन गया आप। और विथ कमांड लगा दिया इसने, सिलेक्शन मतलब मान लीजिए एक्टिव सेल या फिर रेंज, ओरिजिनल अलाइनमेंट देना है एक्सेल जनरल, ये तो आप एक्सेल लेफ्ट राइट और मिड कर सकते हैं, मिडल तो नहीं, एक्सेल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपका टॉप हॉरिजॉन्टल है ना, एक्सेल लेफ्ट राइट सेंट्रल होता है, वर्टिकल में आप भी कर सकते हैं सेम, टॉप एक होता है टॉप बॉटम और सेंटर, दूसरा होता है लेफ्ट राइट सेंटर। रैप टेक्स करना है तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। ओरिएंटेशन मतलब कितना रखना है, तो कितना कितना ओरिएंटेशन रखना है, ओरिएंटेशन मतलब समझते हैं सर कि टेक्स्ट को कितना डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है। हेलो हेलो बोलिए, कुछ नहीं, वो आपकी आवाज नहीं आ रही बीच में। बोला ओरिएंटेशन होता है कि आप टेक्स्ट को कितने डिग्री पे रोटेट करना चाहते हो, तो वो ओरिएंटेशन आप डाल सकते हो, एरा ओरिएंटेशन जितना डिग्री प्लस और माइनस में करना चाहते हैं उतना आप अपने वीवीए कोड में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंडियन लेवल, ये जो आपका, ये आपका जो इंडियन लेवल होता है कि आपने नंबर लिख दिया तो उसको कहां आप पोजीशन देना चाहते हैं और कितना देना चाहते हैं प्लस एंड माइनस। तो देना चाहते हैं तो आपको ट्रू करना पड़ेगा और उसका लेवल कितना चाहिए, सिंक टू फिट, रीड ओनली, ये सब यहां पे आप कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट में ये चीज होती है, मर्सल करना है तो मर्सल, तो अलाइनमेंट को समझिए, कोई दिक्कत तो बताइए राहित जी। ये आपका ओरिजिनल अलाइनमेंट है, इसमें एक्सेल लेफ्ट राइट सेंटर करना है या फिर जनरल कर दीजिए। ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट है, जिसमें आप टॉप टॉप बॉटम एक्सेल सेंटर कर सकते हैं, एक्सेल टॉप एक्सेल बॉटम एक्सेल सेंटर कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट करना है तो ट्रू कीजिए, दबाइए फॉल्स। ओरिएंटेशन में कितना डिग्री करना है तो ठीक है, एड इंडियन करना है तो ट्रू, कितना करना है उसका लेवल, श्रिंक टू फिट करना है तो ट्रू एंड फॉल्स, एंड मर्सल करना है तो ट्रू एंड फॉल्स। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारा ही लिखना है, आपको जरूरत है सिर्फ मर्सल का तो आप सिलेक्शन डॉट मर्सल ही लिखें, अगर आपको जरूरत है सिर्फ ओरिएंटेशन का सिर्फ ओरिएंटेशन लिखे, लेकिन अलाइनमेंट में इतने सारे होते हैं। रमेश जी, जाहिद जी, तेजेंद्र जी, कोई डाउट इसमें? हेलो हेलो, ठीक है ओके। अब इसमें नीचे बढ़ते हैं,
अलाइनमेंट के बाद हम बात करते हैं बॉर्डर की। देखिए बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं तो सिंपल आप बॉर्डर दे सकते हैं कि रेंज या एक्टिव सेल या सिलेक्शन जो भी आपका है। मैं एक्टिव सेल कर देता हूं, सेल डॉट बॉर्डर। बॉर्डर में आपको देना होता है लाइन स्टाइल इक्वल टू वन या एक्सेल कंटिन्यूअस। ठीक है सर? सर ये क्या है सर, लाइन स्टाइल इक्वल टू वन? देखिए हर हर एक जो हम अप्लाई करते हैं उसका आप नाम भी डाल सकते हैं, उसका कोड भी डाल सकते हैं। बताता हूँ आपको, बॉर्डर में बॉर्डर्स होते हैं। बॉर्डर में आपका जैसे एक्सेल लाइन में आपका यार एक्सेल लाइन स्टाइल, इसमें आप एक्सेल डबल लिख सकते हैं या फिर एक्सेल डबल का एक नंबर्स होते हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है? अब जैसे कि आप एक्सेल बॉर्डर इंडेक्स पे जाते हैं तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं ये देखिए। आपका ये आपका डायलॉग 5 है, ये आपका डायलॉग अप है, लेफ्ट है, ये आपका दिख रहा है राइट है, ये तो अलग चीज है, ये तो बाद में बताऊंगा। ये तो आता ही आगे के बोर्डर कहाँ डाला है, लाइन स्टाइल पे बात है। ये रहा लाइन स्टाइल, ये रहा लाइन एक्सेल कंटिन्यूअस। हमने वन डाला हुआ है, एक कंटिन्यूअस लाइन जो होती है ना हमारी सर, उसको फॉलो करते हैं। मतलब कि ये जो ऑल बोर्डर होता है उसको फॉलो करता है। और अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे है कि आप एक्सेल डैश चाहिए, आप इसे एक्सेल डैश डॉट चाहिए या डैश डॉट डॉट चाहिए, डॉट चाहिए तो आप ये यूज करें, यहाँ पे एक्सेल करके लिख दें या फिर इसके नंबर याद रखें। क्योंकि जनरली हम लोग बॉर्डर में तो एक्सेल कंटिन्यूस ऑल बॉर्डर ही इस्तेमाल करते हैं, जब मैंने एक्सेल कंटिन्यूस का वन याद किया हुआ है तो आप यहाँ पे लगा देते हैं कि एक्टिव से डॉट बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू वन। राइट सर? ये क्या होता है, ये क्या होता है कि आपका पूरे एरिया जो है उस एरिया पे बॉर्डर अप्लाई करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने एरिया के सिर्फ, मान लीजिए हमने सिलेक्शन किया और मैं उसके नीचे का सिर्फ बॉर्डर चाहता हूँ, समझे? तो इस केस में ये आपका देखिए बॉर्डर क्या बन गया। सबसे पहले तो बॉर्डर रिमूव करने का तरीका है, पहले बॉर्डर को रिमूव किया इसने। और जो आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं ना सर, तो ये आपका होता है सिलेक्शन। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्टिव सेल बॉर्डर लाइन स्टाइल इक्वल टू डायरेक्ट वन लिखा हुआ है, बट हमारे अगर आपको एक पर्टिकुलर चाहिए तो उसका देना होता है कि कौन सा चाहिए, ब्रैकेट में एक्सेल बॉर्ड एक बॉटम, उसकी लाइन स्टाइल एक्सेल कंटिन्यूअस होना चाहिए। बाकी चीजें है तो ना देंगे तो डिफॉल्ट ले लेता है, ये बाकी चीज जो डिफॉल्ट ले सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्टिव सेल डॉट बॉर्डर्स डॉट बॉर्डर्स में हम ब्रैकेट करेंगे और ब्रैकेट में कौन सा बॉर्डर चाहिए आपको वो हम बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर?
और फिर हम करेंगे एक्सेल लाइन स्टाइल इक्वल टू एक्सेल कंटिन्यूअस या फिर वन। ये आपका सिर्फ नीचे का बॉटम का बॉर्डर देगा। सर हेलो हेलो डाउट इसमें? राय जी कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर ठीक है। तो अब ये जो आपका एक जो आप देख रहे हैं एक आपका चारों तरफ का बॉर्डर है कि किस तरफ का बॉर्डर आपको करना है। जैसे कि आप लोग हम लोग क्या आता है कि कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एरिया सिलेक्ट करते हैं, एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में जाते हैं और हम बॉर्डर पे आते हैं। तो ये हमारा टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इधर हो गया, ये आपका ये क्रॉस हो गया, ए क्रॉस हो गया, वर्टिकल इनसाइड दिख रहा है आपको सर। और ये आपकी बॉर्डर की स्टाइल्स हो गया, यहाँ बॉर्डर की कलर हो गया, ये अप्लाई करते हैं। तो इसका भी कोड इस तरह से बनता है, यहाँ देखिएगा आप रिकॉर्ड हो गया होगा। तो इसको आपको एक एक करके करना होता है, राइट सर। यहाँ पहले देखिए कि यहाँ पे सिलेक्शन डॉट ये आपका एक्सेल डायगोन डाउन को लिया है जिसकी लाइन स्टाइल एक्सेल कंटिन्यूस है, कलर ऑटोमेटिक है, 3 से 8 0 है और ये आपका विड्थ मतलब कि 9 3 है, इसमें थीन और ठीक होता है। ठीक है सर, ठीक मतलब मोटा, थीन मतलब पतला वाला। और यहाँ पे देखिए आप हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका टॉप हो गया, ये आपका बॉटम हो गया। तो इस तरह से हर किसी के लिए आपका अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। इसमें बिट लगाया हुआ है, आपको आपको बाकी चीज थीम थीम वगैरह कलर वगैरह नहीं देना है, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर सर? हेलो जी सर। दूसरा क्या होता है, जो अभी मैंने कलर की बात की, अगर मुझे बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर अगर हम करते हैं तो बैकग्राउंड कलर करने का भी एक तरीका होता है। यहाँ देखिए बैकग्राउंड का हम लोग डायरेक्टली जो है मोस्टली इंटीरियर लेते हैं, सिलेक्शन डॉट इंटीरियर पैटर्न एक्सेल सॉलिड है, कलर इंडेक्स नंबर एक्सेल ऑटोमेटिक है और कलर। तो कलर का भी एक कोड होता है, तो एक कलर का आपका कोड है, येलो कलर कोड होता है 6535। ठीक है, इसका थीन और ये दिया हुआ है, मतलब कि जब आप फॉर्मेट सेल में जाते हैं और फॉर्मेट सेल के अंदर में जब आप यहाँ फिल पे आते हैं तो ये आपका होता है, ये आपका कलर हो जाता है, फिल डेप्थ हो जाता है, पैटर्न हो जाता है, पैटर्न स्टाइल हो जाता है, ये चीजें भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमें बस कलर लेना होता है, तो मोस्टली कलर के लिए हम लोग डायरेक्ट कोड क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर, कलर करने का इंटीरियर होता है, इंटीरियर डॉट कलर। अब कलर है तो यहाँ पे हम लोग दो चीज कर सकते हैं, एक तो आप बीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मिर्चा व्हाइट ब्लैक जो होता है वो ले सकते हैं, दूसरा हम कलर में अपना आरजीबी ले सकते हैं, आरजीबी जो मैंने पहले बताया। ठीक है, और तीसरा हमने बताया कि कलर इंडेक्स नंबर वो भी आप ले सकते हैं, कलर इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, अपना नंबर जो भी नंबर है आपका कलर का वो मैं इंडेक्स दे दूंगा, उस इंडेक्स अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ये हो गया, या फिर आप डायरेक्ट ये भी जो मैंने अभी दिया ऊपर बताया हुआ है वो भी आप ले सकते हो कि कलर इंडेक्स रेंज की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6553। ठीक है सर, बैकग्राउंड कलर करने आ गया। हेलो हेलो जी सर, बैकग्राउंड कलर करने आ गया आप लोगों को? जी चलिए, Thank you.
बैकग्राउंड हमने हमने बैकग्राउंड करने के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग का। अगर मुझे डेट का, टाइम का, किसी चीज का फॉर्मेट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी ना आप लोगों को मैंने, जी सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग और यहाँ इक्वल टू हम डालेंगे जो कोड हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में डाल दिया, जैसे हमारा डेट का डालना है तो dd/mm/yyy। अब आपको डेसिमल्स का डालना है, डेसिमल्स का डालना है तो आप डालेंगे 0.0 यहाँ पे 0.0 या डेसिमल साथ चाहिए तो .00 का डालना है तो ####, ठीक है। तो जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है वो नंबर के फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे अपने कोड के हिसाब से डाल सकते हैं। तो हमने फॉर्मेटिंग में फॉन्ट को पढ़ा, हमने अलाइनमेंट को पढ़ा, हमने पढ़ा इसको बॉर्डर्स को पढ़ा और हमने पढ़ा आपके सामने नंबर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें आगे जो फॉर्मेटिंग आती है वो आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे फॉर्मेट को अप्लाई कर, जैसे कि मैं सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 हो तो कलर हो जाए, ठीक है। तो इसका इसका एक सिंपल सा है, आप देखेंगे सिंपल सा है। देखिए हमेशा दो पार्ट होता है, एक होता है कंडीशन अप्लाई करना और दूसरा आपका होता है फॉर्मेटिंग देना। ये आपका सबसे पहले हुआ कि फॉर्मेट कंडीशन डॉट एड एक्टिव सेल, यहां पर लिखेंगे कि एक्टिव सेल डॉट फॉर्मेट कंडीशन डॉट एड। अब इसमें देना होगा टाइप, इसका कि क्या है टाइप में, समझ गए। हेलो, यस सर। तो मतलब कि सेल की वैल्यू पे लगा रहे हो या सेल की इस पे टेक्स्ट, इस पे होता है ना आपका अबव बिलो जो होता है उस पे लगा रहे हो। आप जब भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो यहाँ से हमने जाते हैं इस मेन्यू रूल्स पे आता हूं मैं, तो यहां पे आपको सेलेक्ट कर दिया तो ये आपका आ गया सेल वैल्यू पे लग रहा है, ठीक है सर आपको। जी सर, ये आपका टॉपिक यहां सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे टाइप में आ जाता है हमारा एक्सेल सेल वैल्यू। अब यहाँ पे हम कॉमा करते हैं, अब बात करते हैं ऑपरेटर की कि कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया है। तो ऑपरेटर होता है एक्सेल ग्रेटर, एक्सेल लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, जो भी होता है जिसमें एक्सेल ग्रेटर होता है। और फिर फॉर्मूला, अब एक फॉर्मूला ज्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे बिटवीन हुआ तो उसमें दो लगाना पड़ेगा ना हमें, तो फॉर्मूला आप दे सकते। ये आपका कंडीशन सेट हो गया, ठीक है। जब कंडीशन सेट हो जाता है तो फिर हमें उसकी फॉर्मेटिंग होता है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक कोड है कि एक्सेल फॉर्मेट कंडीशन सिलेक्शन डॉट कंडीशन डॉट काउंट सेट क्वालिटी। अब ये यूज कब होता है, जब आप एक ही सेल पे एक से ज्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। अब एक ज्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किसको किस कंडीशन पे कवर करना है। तो इसने क्या किया, जितने भी कंडीशन फॉर्मेटिंग की काउंट है उसकी प्रायोरिटी सेट फर्स्ट प्रायोरिटी सेट कर दी कि उसकी पहले आनी चाहिए, तो होना आना चाहिए। तो जब आपने पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई तो एक होगा, अगर दूसरी लगा रहे हो तो दो होगा, दूसरे को फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी सेट कर देता है। और इसमें हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग कौन सा पहला फॉन्ट की कलर चेंज की और फिर हमने इसकी इंटीरियर कलर चेंज की। अगर नंबर फॉर्मेटिंग है फिर आपको नंबर फॉर्मेटिंग भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है सर। जी सर, तो आप लोग क्या करें, आप लोग का है कि मुझे एक वीवीएम को बना दीजिए, एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस का फॉर्मेट बना के भेजिए,
मुझे आपको मान लीजिए इस महीने अटेंडेंस बनाना है, मैं बस बटन पे क्लिक करूं तो मेरा डेज में डेज में आ जाए, और उसमें क्या बोलते हैं कि जो सैटरडे संडे है उसका कलर कुछ और हो जाए, लीव वगैरह है उसका कलर कुछ और हो जाए, सबकी कंडीशन फॉर्मेटिंग सेट हो जाए, नॉर्मल फॉर्मेटिंग सेट हो जाए, तो एक आप रिकॉर्डिंग सॉरी इसकी अटेंडेंस मैक्रो का अटेंडेंस का फॉर्मेट का मैक्रो बना के दीजिए मुझे, ठीक है सर? जी सर। हाँ, ये बना के मुझे दीजिए, फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स वेरिएबल्स, ठीक है? मुझे वीडियो भेजिए सर, क्योंकि आज मैं रेगर नहीं। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू।